दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मुझे बहुत सारे हेयर ड्रेसर और बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हम स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और ग्लोबल हेयर कलर एक साथ कर सकते हैं। कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे रहते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उन्हें स्ट्रेट लुक भी चाहिए और साथ में उन्हें हेयर कलर भी चेंज करना है या उनके ग्रे हेयर को भी छुपाना है। तो उनकी ये हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि हमें स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और कलर, ग्लोबल हेयर कलर एक साथ करना है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको भी पता चले कि ये स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और ग्लोबल हेयर कलर किस तरह एक साथ करना है और वो भी सेम डे। याद रखिए सेम डे आपको करना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से यानी आपको स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और ग्लोबल कलर दोनों एक साथ भी करना है और वो भी किस तरह से करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली इस टॉपिक में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन आज मैं आपको एक डिटेल वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। और आज का ये जो वीडियो है इसको मैंने 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया जो ये व्यूवर्स के ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन भी एक व्यूवर का है कि क्या हम ग्लोबल हेयर कलर और स्ट्रेटनिंग हो या रिबॉन्डिंग हो या स्मूथनिंग ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा इस पर आंसर है यस, आप ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हो और एक दिन में कभी भी कर सकते हो या हो सके तो आप 2 या 3 दिन के बाद भी चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये सब डिपेंड है आपके हेयर की कंडीशन पर, यानी हेयर की कंडीशन पर डिपेंड है कि हम ग्लोबल हेयर कलर और स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग एक साथ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप ग्लोबल हेयर कलर कर सकते हो अगर आपको लिफ्टिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर सपोज आपको लिफ्टिंग चाहिए या सपोज आपको हाइलाइट्स भी करनी है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सेम डे ये करो। आप चाहो तो कर भी सकते हो लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग के साथ लिफ्टिंग और हाइलाइट्स कलर मत करो। क्योंकि क्या होता है कि स्मूथनिंग से क्या करते हैं हम, स्मूथनिंग मतलब या स्ट्रेटनिंग जो होती है ये इसमें हम लोग बालों का एक ऑपरेशन करते हैं, यानी जो आपके बाल कर्ली है या वेवी बाल है उसको हम एक ऑपरेशन प्रोसेस के थ्रू ऐसा सोचो कि स्ट्रेट करते हैं। तो उस ऑपरेशन के बाद आप फिर से दूसरा ऑपरेशन करोगे जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हाईलाइट्स करते हो तो ब्लॉन्डर यूज़ करते हो या कोई हाई लिफ्टिंग वाला कलर यूज़ करते हो या सपोज 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ करके कलर करते हो, तो ये सब स्ट्रांग प्रोडक्ट थे। और ऐसे बालों पे अगर आप स्ट्रांग प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करोगे तो मुझे लगता है कि आपके बाल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग के साथ सिर्फ ग्लोबल हेयर कलर करें और भी 20 वॉल्यूम के साथ। आप बिल्कुल भी 40 वॉल्यूम या ब्लॉन्डर का यूज़ ना करें। और जैसे मैंने कहा कि आपको हाईलाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको स्मूथनिंग के बाद या स्ट्रेटनिंग के बाद अगर सपोज हाइलाइट्स करने में इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट एक 15 डेज का गैप रखें। और ये जो मैंने बताया आपको सजेशन, ये जो मैंने सजेशन आपको दिया ये मेरा ही सजेशन है। ये एक्चुअली मैंने लॉरेल के टेक्निकल लोगों से भी बात की, यानी जो टेक्निकल कलर में या केमिकल में एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि आप स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग के साथ ग्लोबल हेयर कलर कर सकते हो, दैट टू विद 20 वॉल्यूम। आप 40 वॉल्यूम से हाइलाइट्स या ग्लोबल कलर बिल्कुल ना करें। बाकी दोस्तों आप अगर मेरे बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और कमेंट्स में लिखिए 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 और लिखिए आगे यस, यानी मुझे पता चल जाएगा कि आप भी मेरे बात से सहमत हो। तो प्लीज नीचे कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको मेरी बात सही लग रही है या गलत लग रही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और ये सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हम स्मूथनिंग और हेयर कलर, ग्लोबल हेयर कलर एक साथ कर सकते हैं, अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर हम ये दोनों एक साथ कर सकते हैं तो फर्स्ट हमें क्या स्मूथनिंग करनी है या ग्लोबल हेयर कलर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा आंसर है फर्स्ट आपको स्मूथनिंग करनी या स्ट्रेटनिंग करनी और उसके बाद ग्लोबल हेयर कलर करना है। यानी फर्स्ट प्रोसेस आपकी होगी स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग और सेकेंड जो प्रोसेस होगी वो आपकी होगी ग्लोबल हेयर कलर, दैट टू विद 20 वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि देखिए जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो जैसे मैंने पहले कहा या समझो स्मूथनिंग करते हो तो मैंने कहा कि एक तरह का बालों का ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन से आपके बाल कुछ समय के लिए वीक हो जाते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप और ज्यादा केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल अगर यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल 40 वॉल्यूम या ब्लॉन्डर, तो इससे आपके बाल डैमेज होने का रिस्क बढ़ता है। इसके लिए हम लोग 20 वॉल्यूम से करेंगे। लेकिन सपोज अगर मैं ग्लोबल हेयर कलर फर्स्ट करता हूँ, तो हमारे जो बाल है वर्जिन सपोज, और उस पर मैं सपोज 20 वॉल्यूम से ग्लोबल कलर करता हूँ, तो हमारे बाल वर्जिन नहीं केमिकली ट्रीटेड बन जाते हैं। और ऐसे केमिकली ट्रीटेड बालों पे हम लोग को जनरली स्ट्रॉन्ग क्रीम का यूज़ नहीं करना, हम माइल्ड क्रीम का यूज़ करना, ये हमें सब ब्रांड ने बताया। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे, हम क्या सोचते हैं कि क्लाइंट के बाल वर्जिन थे तो उसके ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करेंगे, और इसी गलती के वजह से हमारा रिजल्ट भी फेल होता है या क्लाइंट के बाल डैमेज होने के भी चांसेस है। इसके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप स्मूथनिंग करते हो या स्ट्रेटनिंग करते हो और उसके साथ आपको ग्लोबल कलर करना है, तो फर्स्ट याद रखिए आपको स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करनी है और उसके बाद ग्लोबल हेयर कलर करना है। वैसे आप चाहो तो फर्स्ट ग्लोबल हेयर कलर और उसके बाद स्मूथनिंग भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन एक मेरा रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट आप ग्लोबल हेयर कलर से पहले, यानी फर्स्ट आपको क्या करना है, स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करनी है और उसके बाद आपको ग्लोबल हेयर कलर करना है, और वो भी 20 वॉल्यूम से। आई होप दोस्तों ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था इससे भी आप जरूर सहमत हो गए। अगर हाँ तो नीचे लिखिए, यानी नीचे कमेंट्स कीजिए 2 यस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से भी आप सहमत हो, उसके आंसर से भी सहमत हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन है, अगर हम ये ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, यानी स्मूदिंग के बाद अगर हमको ग्लोबल हेयर कलर करना है तो इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो वैसे तो इसकी प्रोसेस एकदम सिंपल है, फिर भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बताता हूँ कि आपको स्मूदिंग के साथ ग्लोबल हेयर कलर किस तरह से करना है। सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आती है जिसके बिगड़े हेयर भी है और उन्हें स्ट्रेटनिंग या स्मूदिंग भी करनी है और उन्हें ग्रे हेयर को कवर भी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह शैम्पू से वॉश करना है। ओके, शैम्पू वॉश होने के बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको बालों को 100% ड्राई करना है, और 100% ड्राई करने के बाद आपको जो स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम होती है जिसे हम रिलैक्सर कहते हैं, वो रूट से हल्का सा छोड़ के सारे बालों को सेक्शन बाय सेक्शन लगाना है, और फिर उस बालों को आपको शॉवर कैप से कवर करना है, और फिर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपको बालों को विजुअली चेक करना है और ऐसा खींच के देखना है, जिसे हम कहते हैं चेकिंग हेयर इलास्टिसिटी, यानी आपको बालों को चेक करना है कि बालों में वेव्स आ रहे हैं या बाल टूट रहे हैं। अगर बालों में सपोज वेव्स नहीं आ रहे तो आपको और 10 मिनट के लिए रुकना है, और फिर नेक्स्ट 10 मिनट के बाद वापस से आपको बालों को खींच कर चेक करना है कि आपको इलास्टिसिटी आ रही है कि नहीं। सपोज यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो नेक्स्ट आपको और 5 से 10 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद इलास्टिसिटी चेक करनी है। और सपोज यहाँ पर आपके बालों को वेव्स आ रही है, इलास्टिसिटी मिल रही है, तो फिर आपको बालों को प्लेन वाटर से रिंस करना है। याद रखिए सिर्फ प्लेन वाटर से रिंस करना है, यहाँ आपको कोई मास्क, कंडीशनर, शैम्पू कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करना, आपको प्लेन वाटर से बालों को रिंस करना है। और रिंस होने के बाद आपकी होगी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वापस से बालों को 100% ड्राई करना है, और फिर उसके बाद आपको आयनिंग करनी है, जो हम रेगुलरली आयनिंग करते हैं स्मूथनिंग के वक्त। और आयनिंग करते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि बालों की मोटाई पर ध्यान देना, अगर बाल बहुत ज़्यादा मोटे तो आपको 230 का टेम्परेचर रखना है या वर्जिन हेयर, अगर वो केमिकली ट्रीटेड हेयर है तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है। और जैसे ही आपकी आयनिंग कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजर का एप्लीकेशन करना है। याद रखिए क्या करना है, न्यूट्रलाइजर का एप्लीकेशन करना है। और ये जो न्यूट्रलाइजर है ये आपको बालों पर रखना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, और न्यूट्रलाइजर के बाद 10 मिनट होने के बाद, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद 10 मिनट जब होते हैं तो आपको बालों को फिर से प्लेन वाटर से रिंस करना है। यहाँ भी आपको ना शैम्पू लगाना है, ना कंडीशनर लगा है, ना मास्क लगाना है, सिर्फ आपको बालों को प्लेन वाटर से रिंस करना है। और रिंस करने के बाद आपको क्लाइंट को फिर से अगेन चेयर पर लेके आना है और बालों को 100% ड्राई करना है, और 100% ड्राई होने के बाद आपकी स्मूदनिंग की प्रोसेस या प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी कलर की प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को 3 नंबर का कलर चाहिए, तो 3 नंबर का जो आपका कलर लेगा उसके साथ आपको 20 वॉल्यूम मिक्स करना है, बाकी 20 वॉल्यूम का और कलर का और डेवलपर का जो मिक्सिंग रेशियो वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड चेंज होते रहता है,
तो आपको कलर और डेवलपर को मिक्स करना है अच्छी तरह, बालों पर अच्छी तरह लगाना है, रूट से लेके लेंथ तक अच्छी तरह लगाना है। अगर रूट्स पे लगाना है सिर्फ तो उसे हम रूट टचअप करते हैं कहते हैं, और पूरे बालों पर अगर हम लगाते हैं तो उसे हम ग्लोबल हेयर कलर कहते हैं। तो हमने ये सब जो कलर का एप्लीकेशन कर दिया, कलर का एप्लीकेशन होने के बाद आपको प्रोसेसिंग टाइम देना है, जैसा हर एक ब्रांड का रहता है 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, आपको उतना देर रुकना है। और उसके बाद आपको बालों को सिर्फ प्लेन वाटर से अगेन रिंस करना है और सिर्फ मास्क का एप्लीकेशन करना है, आपको शैम्पू का एप्लीकेशन नहीं करना, सिर्फ मास्क का या कंडीशनर का एप्लीकेशन करना है। और फिर बालों को ड्राई करके आपको चाहो तो आप एक एडिशनल आयनिंग यहाँ पर कर सकते हो, ताकि आपको एक क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग का एक अच्छा लुक दिखाना है। ये थी एक सिंपल और इजी प्रोसेस दोस्तों, कि आपको किस तरह से स्मूथनिंग और ग्लोबल हेयर कलर करना है। वैसे तो ग्लोबल हेयर करने करने की और भी और सॉरी ग्लोबल हेयर कलर और स्मूथनिंग करने की और भी दो तीन टेक्निक है, लेकिन ये एकदम सिंपल और इजी प्रोसेस है। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है कि स्मूथनिंग के साथ आप ग्लोबल हेयर कलर सकते हो, ये कोई मेरे अकेले की प्रोसेस नहीं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि लॉरियल लो, मैट्रिक्स लो, ये लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आपको किस तरह से यानी इसी प्रोसेस वाइज स्मूथनिंग और ग्लोबल हेयर कलर करना है। आई होप दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन था और इसका जो मैंने आंसर दिया, इस आंसर से आप भी सहमत हो। अगर यस सहमत हो तो नीचे कमेंट्स में 3 और यस लिखिए, YES, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात गलत है या सही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 100% सही है। फिर भी मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि आपको कैसे लगी है जो मैंने सजेशन या जो मैंने प्रोसेस आपको बताई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं उसका भी आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलून एंड एजुकेशन अब इजाज़त लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।